आज बांगुरा में दिखा ममता दीदी का भक्ति स्वरूप, मंच से किया दुर्गा पाठ, कहा सभी धर्मों को मानती हूँ। मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री। मुख्यमंत्री ममता ने बीजेपी पर चुनावी जीत के लिए बाहुबल के इस्तेमाल का लगाया आरोप, बोली जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। प्राणे मेरे फेलते चाय लज्जा करे ना एतगुलो मिनिस्टर बसे आछे कलकाताय। मुख्यमंत्री ममता ने अमित शाह को देश पर ध्यान देने की नसीहत भी दी। बंगाल के पुरुलिया में गरजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा सत्ता में आने पर डीएमसी के खुंडों को चुन चुन कर देंगे सजा। योगी ने जय श्रीराम के नारे का मुद्दा उठाया, बोले ममता जय श्रीराम के नारे से डरती है, लेकिन यहां मेरा अभिवादन भी जय श्रीराम के नारे से हुआ। योगी बोले 2014 से पहले एक ऐसी पीढ़ी पैदा हो गई थी जो ये मानती थी कि मंदिरों में जाने से सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन अब दीदी भी मंदिर जाने और चंडी पाठ करने को मजबूर हुई। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है, यह है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी ने राहुल पर किया वार, बोले मंदिर में ऐसे बैठे थे राहुल जैसे नमाज पढ़ रहे हों, पुजारी को समझाना पड़ा था। चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा, कह रहे ये मंदिर है आसन ठीक ढंग से बैठिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा टीएमसी के नेता बेशर्मी से करते हैं गौवध का समर्थन, मुख्यमंत्री योगी ने जय श्रीराम का नारा लगवाकर खत्म किया अपना भाषण, बांकुरा और मेदिनीपुर में भी करेंगे रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दासपुर समेत पश्चिम बंगाल में की तीन ब्रालियां, बोले ममता की चूट से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। पश्चिम बंगाल में डीजी को हटाने के मुद्दे पर बोले राजनाथ, इलेक्शन कमीशन ने लिया फैसला, स्वायत्त संस्थाओं पर डीएमसी को करना होगा विश्वास। यह भी फैसला डीजीपी को हटाने का जो किया गया है वह इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है, हम लोगों ने यह फैसला नहीं किया है। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर में नड्डा ने किया रोड शो, उमड़ी भीड़, आज तक से बातचीत में जेपी नड्डा ने टीएमसी पर जमकर भड़ास निकाली। टोलाबाजी, तुष्टिकरण और कटमनी कल्चर को नकारने का तय कर लिया है। कोतुलबरू में भी जेपी नड्डा ने रैली की, बीजेपी ने प्रचार को पकड़ाई रफ्तार। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का दौर जारी, हावड़ा में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के घर पर हमला, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भास्कर कुमार दास ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप, टीएमसी ने इसे बीजेपी की आपसी गुटबाजी बताया। बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार स्वप्न दास गुप्ता को लेकर विवाद, विवाद बढ़ता देखकर गुप्ता ने दिया सांसद पद से इस्तीफा। राज्यसभा में आज टीएमसी ने उठाया था स्वप्न दास की बीजेपी उम्मीदवारी का मुद्दा। राज्यसभा से मनोनीत सांसद हैं स्वप्न दास गुप्ता, किसी पार्टी में शामिल होने को लेकर फंसा था तकनीकी पेंच। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता पर हमला, कहा अपनी पार्टी और वोटरों का खो दिया है ममता ने भरोसा। 24 बरगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मुकुल रॉय के खिलाफ प्रदर्शन किया, पैसे लेकर टिकट देने का लगाया आरोप, पुलिस से हुई झड़प। गुजरात के सोमनाथ में आक्रमणकारी महमूद गजनवी पर छिड़ा नया बवाल, सैकड़ों साल पहले के लुटेरे की तारीफ में सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल, तलाश में जुटी है पुलिस। जम्मू में फिर मिला पीआईए का संदेश लिखा विमान की शक्ल वाला बलून, कोट भलवान में बलून मिलने की हो रही है जांच। इंडिया केस में नया खुलासा, मुंबई सीआईयू में सचिन वाजे के साथी रियाज काजी ने कब्जे में लिया था वाजे की सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज। सचिन वाजे के बचाव में फिर से उतरी शिवसेना और उसके सांसद संजय राउत, पार्टी से वाजे के जुड़ाव की पर दी दलील, शिवसेना कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है।
महाराष्ट्र में गृह मंत्री बदलने की अटकलों को एनसीपी ने किया खारिज। कल अपनी पार्टी के मंत्रियों के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की बैठक। दिल्ली में फिर से केंद्र और केजरीवाल सरकार में भिड़ंत। संसद में एनसीटी एक्ट से जुड़ा संशोधित बिल पेश होने से आम आदमी पार्टी नाराज। संसद में गांधी प्रतिमा के पास किया प्रदर्शन। अब सांसदों ने दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती का लगाया आरोप। गृहमंत्री अमित शाह पर किया दोषारोपण। एमसीडी में बीजेपी को मिली शिकस्त की दिलाई याद। राजस्थान में फोन टैपिंग कांड पर बड़ा विवाद। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग। राजस्थान की गहलोत सरकार ने मानी फोन टैपिंग के बाद सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। गहलोत सरकार ने विधायकों मंत्रियों की फोन टैपिंग से किया इनकार। कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से देश में फिर से दहशत। मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पाबंदियां और सख्तियां बढ़ी। महाराष्ट्र में 31 मार्च तक बढ़ाई गई पाबंदी। होटल, मॉल, थिएटर, दफ्तर में 50% क्षमता पर पाबंदी। राज्य में 24 घंटों में 15,000 से ज्यादा नए मरीज। महाराष्ट्र में धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रमों पर 31 मार्च तक रोक। शादी में 50 और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग होंगे शामिल। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बुधवार को करेंगे चर्चा। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार का बड़ा फैसला। बोर्ड की परीक्षाओं को एक महीने के लिए टाल दिया। मुंबई के दादर में बाजार में जबरदस्त भीड़ दिखी। कोरोना के खतरे से बेपरवाह लोग नजर आए। सब्जी मंडी में खरीदारी कर रहे लोग बिना मास्क के ही दिखे। तेलंगाना के मंचूरियल में कोरोना का कहर। एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों, रसोइयों समेत 15 लोगों को हुआ सभी पॉजिटिव। अहमदाबाद में पिछले 24 घंटों में 900 से ज्यादा नए मरीज पॉजिटिव मिले। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा समेत 8 जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगेगा। खाने पीने की जगह और मॉल बंद करने के भी आदेश दे दिए गए। गुजरात सरकार में मंत्री ईश्वर पटेल भी कोरोना पॉजिटिव हुए। 13 मार्च को इन्होंने लगवाई थी कोरोना वैक्सीन और उसका पहला टीका। अहमदाबाद में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी नहीं टला खतरा। डॉक्टर दंपत्ति निकले दोनों कोरोना पॉजिटिव। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद। क्लॉटिंग की शिकायतों के बीच जर्मनी, इटली और फ्रांस ने लगा दी रोक। अब तक यूरोप के 12 देश लगा चुके हैं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है कोविशील्ड वैक्सीन। विवादों के बीच एस्ट्राजेनेका कंपनी की सफाई। कहा मामलों पर रख रहे नजर, लेकिन क्लॉटिंग का वैक्सीन से कोई संबंध नहीं मिला। WHO भी एस्ट्राजेनेका के समर्थन में उतरा। कहा घबराने की जरूरत नहीं, वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है क्लॉटिंग। दिल्ली में जबरदस्त बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटों में 360 से ज्यादा पॉजिटिव मिले। भोपाल में धरने, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, यात्रा पर रोक लगा दी गई है। रात 10:30 के बाद कोई कार्यक्रम नहीं होगा। महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले की अपनी रिपोर्ट मध्य प्रदेश में घुसने से पहले दिखानी जरूरी होगी। मध्य प्रदेश में 24 घंटों में सामने आए इस साल के अब तक के सबसे ज्यादा मामले, 797 मामले। भोपाल में 199, इंदौर में 259 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य के लोगों को नियमों का पालन करने का दिया 17 मार्च तक का समय। आदेश नहीं मानने पर सख्त प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। बिना दर्शकों के खेले जाएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में होने वाले अगले 3 T20 मैच। कोरोना के डर से BCCI का फैसला। संसद के सेंट्रल हॉल में अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष का अभिनंदन। पीएम मोदी समेत सभी सांसद मौजूद। कल विशेष दर्शक दीर्घा में बैठकर पेशकों ने देखी राज्यसभा की कार्यवाही। अंतर संसदीय संघ के दुनिया भर में 179 से ज्यादा सदस्य। देशभर में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। निजीकरण के विरोध में कामकाज ठप किया है लखनऊ में प्रदर्शन। गाजियाबाद में लड़की के बुलेट पर स्टंट का वीडियो हुआ वायरल। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर उठे सवाल। जज्जर के गुरुकुल के बाहर किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। विरोध के कारण डिप्टी सीएम और सांसद के आने जाने का कार्यक्रम रद्द।
श्री राम मंदिर निर्माण शुरू, वैदिक विधि से हुआ नींव भराई का पूजन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र, महंत दिनेंद्र दास वहां मौजूद थे। 40 फीट गहरी नींव तैयार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ के लिए लगाए प्रतिबंधों को हटाए जाने को बताया जोखिम भरा। कहा, कोरोना को लेकर हमें जागरूक रहना होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले में गढ़वाल कमिश्नर की तैनाती की। कुंभ होने तक करेंगे हरिद्वार में कैंप, मेला प्रशासन सीधा कमिश्नर को रिपोर्ट करेगा। कुंभ मेले में केंद्र की तरफ से उच्च स्तरीय टीम भी तैनात की गई, स्वास्थ्य सुविधाओं की करेगी समीक्षा। सवाई माधोपुर में पुलिस ने शोएब हत्याकांड के एक शख्स को गिरफ्तार किया, तफ्तीश में मोबाइल लोकेशन से मिली मदद। संभल में पशु तस्करी के आरोपी का 3 मंजिला मकान सील किया गया, प्रशासन ने 21,50,000 की संपत्ति कुर्क की। ऊना में घूस लेते हुए रंगे हाथों दबोचा गया तहसीलदार, विजिलेंस ने पकड़ा। गाजियाबाद पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया, मोबाइल की जगह पार्सल की थी साबुन की टिकिया। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव, बीजेपी नेता के भाई को लूट के दौरान मार दी गोली। केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव के इंडस्ट्रियल एरिया में जबरदस्त आग, एक फैक्ट्री पूरी तरह से हुई खाक। टिहरी के जंगलों में लगातार धधक रही आग, सैकड़ों हेक्टेयर कीमती वन संपदा जलकर खाक हुई। हाजीपुर में RLSP नेता की हत्या के मामले में 3 को उम्र कैद, हत्या के एक और आरोपी JDU नेता के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की नई चार्जशीट। जिले में बाइक और स्कूटी में टक्कर के बाद विवाद में 2 लोगों की हत्या, दोनों गिरफ्तार। पुणे के क्वारंटीन सेंटर में भागने की कोशिश में खिड़की में फंस गई लड़की, फायर ब्रिगेड के जवानों ने किया मुश्किल से रेस्क्यू। कानपुर में बीजेपी MLC उमेश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र, पुलिस पर लगाया आरोप, एनकाउंटर में मारे गए अपराधी विकास दुबे के परिजनों को पैसे के लिए प्रताड़ित कर रही है पुलिस। बीजेपी MLC उमेश द्विवेदी ब्राह्मण महासभा के हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री योगी ने पत्र पर दिया विश्वास, किसी निर्देश को नहीं किया जाएगा प्रताड़ित। किशनगंज में अवैध शराब की तस्करी पर प्रशासन का शिकंजा, स्प्रिट से भरा टैंकर, ट्रैक्टर में रखा शराब का जखीरा जब्त, एक गिरफ्तार। संभल में पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, 3 गिरफ्तार। हापुड़ में भी गोली लगने से बदमाश घायल हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा अथॉरिटी का बात, कब्जे के खिलाफ कार्रवाई, करोड़ों की जमीन नोएडा अथॉरिटी ने मुक्त कराई। लखीमपुर खीरी में इलाज के दौरान लड़की के बेहोश होने पर परिवारों ने हंगामा किया, डॉक्टर से मारपीट तक की। अमरावती में पेट्रोलिंग गाड़ियां ग्रामीण थानों में खड़ी, 1.5 करोड़ का हो चुका बकाया, पेट्रोल डीजल देने से इनकार किया। बठिंडा में इलाज के दौरान 2 गुटों में जबरदस्त फायरिंग, इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर को लगी गोली। सुरक्षा को लेकर हड़ताल पर गए डॉक्टर, मरीजों को परेशानी। मेरठ में फर्जी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने के लिए फर्जी बिल बनाने वाले गिरोह का खुलासा, अस्पताल के संचालक समेत 2 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूरत में दिन दहाड़े 15 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार लुटेरे CCTV में कैद। मेरठ में सड़क पर आया घर का झगड़ा, महिला दोस्त के साथ देखकर पत्नी ने जबरदस्त हंगामा किया। महाराष्ट्र बुलढाणा में तलाक के लिए एक शख्स की अजीब हरकत, वांटेड लिखकर पत्नी की तस्वीर दीवार पर लगा दी। अमेठी में जहरीला खाना खाने से 50 से ज्यादा लोग बीमार, बारात का खाने का सैंपल प्रशासन ने लिया। मुंबई इंटीलिया केस में ASP सचिन वाजे सस्पेंड, ANI ने किया गिरफ्तार। सचिन वाजे की बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, वाजे ने गिरफ्तारी को बताया गैर कानूनी। मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद अपनी पार्टी के मंत्रियों से मिले पवार, महाराष्ट्र में गृह मंत्री बदलने की अटकलों को NCP ने किया खारिज। शोपिया मुठभेड़ में टॉप जैश कमांडर सज्जाद अफगानी ढेर, कुल 3 आतंकवादियों को मार गिराया। टोलगेट केस में पटियाला हाउस अदालत ने 3 आरोपियों को दी अग्रिम जमानत, कहा पुलिस जब भी पूछताछ के लिए आपको बुलाएगी तो आपको हाजिर होना होगा। नया
म्यांमार में तख्ता पलट के बाद भी थम नहीं रही हिंसा, अब तक 138 प्रदर्शनकारियों की हो चुकी है मौत। म्यांमार में जलाई गई चीन की फैक्ट्री, चीन ने जताई चिंता। म्यांमार में 6 जिलों में बुरा हाल है, प्रदर्शन के दौरान रविवार को 38 लोगों की मौत हुई है। कराची में रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से धमाका, सोमवार को किए गए धमाके में पैरामिलिट्री फोर्स का एक जवान शहीद, 8 घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी हुआ धमाका, 15 लोग घायल हुए।